गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनमें से वन लाइनर या टू लाइनर्स क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज RCH प्रोग्राम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव, लिख लेते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। और इसके बेटा दो इंपॉर्टेंट पर्पस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पर्पस नंबर 1, क्रिएटिंग अवेयरनेस। जो भी मिसकंसेप्शन लोगों के मन में है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज के से मिलती जुलती, तो उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, चाहे वो बेटा एजुकेशन हो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडोलेसेंस हो, प्यूबर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करना भी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का काम है। और साथ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटी मदर को, डेवलपिंग यंग वन को, और वो सारी हेल्थ फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जाए जिसके कारण एक बेटर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी जनरेट हो। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछा जाता है कई बार कि RCH प्रोग्राम के क्या मेन इंपॉर्टेंट एम है। तो अगर एम आता है पेपर में RCH प्रोग्राम के एम, तो आपने यही दो मेन एम लिखने हैं, पहला अवेयरनेस और दूसरा एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी टर्म आ रही है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। दीज आर द टू टर्म्स। IMR होता है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसका मतलब है कि कितने इन्फेंट्स की डेथ हो गई जिनकी एज 1 साल से कम थी पर 1000 लाइफ बर्थ। सपोज किसी जगह पे 1000 बच्चे पैदा हुए, हम काउंट करेंगे उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ होगी, रिलेटेड टू डिलीवरी रिलेटेड कोई इशू था, हेल्थ इशू था, पर उनकी एज 1 साल से कम होनी चाहिए, उसको हम काउंट करेंगे IMR में। और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ मेटरनल डेथ, मेटरनल मतलब मदर की कितनी फीमेल्स की डेथ हुई डिलीवरी से रिलेटेड, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई या बच्चे को जन्म देते ही या उससे पहले, पर 1 लाख लाइफ बर्थ। इसमें 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखनी है कि अगर किसी कंट्री का IMR, ये क्वेश्चन आता पेपर में, एंड MMR बहुत ज्यादा है, तो इसका एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी अभी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अभी वहां पे पुअर है। क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी में IMR और MMR को कम किया जाएगा, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी उसमें IMR और MMR कम हो जाएगा, क्योंकि मोर्टेलिटी मरने नहीं देंगे डॉक्टर्स, या हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो डेथ के चांसेस कम होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, IMR और MMR किसी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज को भी इंडिकेट करती है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर कहीं पे IMR और MMR ज़्यादा होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो वहाँ से हेल्थ फैसिलिटी की तो इंडिकेशन मिलेगी। और अगर किसी कंट्री की IMR और MMR ज़्यादा है किसी रीजन की, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, मतलब वहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मोर्टेलिटी का मतलब होता है कितनों की डेथ हुई। और इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर कहीं पे IMR और MMR बहुत कम है, सपोज किसी जगह पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो एक ये फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। क्लियर? तो एक हमारे पास टर्म आ जाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स एक्सेसिव और रैपिड, एक्सेसिव और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ सर्टेन रीजन बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब है कि वो जगह कितने लोगों को कैरी कर सकती है। सपोज एक रूम की बेटा एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है कि उस रूम में 50 लोग बैठ सकते हैं या 30 लोग बैठ सकते हैं, अगर उससे भी एक्सीड कर जाए, मान लो अर्थ की बोलते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं रीजन कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के क्या क्या कारण हैं। तो यहाँ मेन 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी, है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हो रही है, तो हम लिख सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी का इंप्रूव होना, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सपोर्ट होगी, है ना। बेटर टेक्नोलॉजी, जितनी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं हमारे पास, मेडिकल टेक्निक एंड टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज बहुत सारी डिजीज हैं, पहले क्या होता था बेटा एक विलेज में कोई डिजीज फैलती थी पूरा विलेज ही खत्म हो जाता था, लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है ना, जिसके कारण डिजीज कंट्रोल हो चुकी हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स, सरकार के कुछ एफर्ट्स हैं बेटा, उनके कारण भी पॉपुलेशन जो है, मतलब गवर्नमेंट एफर्ट्स मतलब कि गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है लोगों को, जिसके कारण उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, और उसके कारण
जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन का हम एक रीज़न मान सकते हैं कि पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, स्टोरेज फैसिलिटी का मतलब ग्रेन्स की स्टोरेज, किसी कंट्रीज़ के पास बैकअप्स हैं बहुत सारे कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति और इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसमें वो बेटर तरीके से रिस्पोंड कर सकें, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान, मिलिट्री भी आ सकती है, डिफेंस हमारी कंट्रीज़ के इंप्रूव हो रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। पहले क्या होता था, कोई फाइट होती थी उसके कारण ही बहुत सारे लोग मारे जाते थे। सो दीज आर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डन। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा वो तो आप कर ही चुके हो, जैसे आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, या फिर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की हमारे पास अलग अलग आपने टेक्निक्स पढ़ी थी, है ना, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टर्म्स आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्री मतलब बिफोर, नेटल मतलब बर्थ। बर्थ से पहले हम बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है या बच्चे के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है जब उसका पता लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीनेटल डायग्नोसिस। मैंने आपको बता रखा है प्रीनेटल डायग्नोसिस में हमने एक टेक्निक पढ़ी थी एमनियोसिंथेसिस, जिसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूड लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूड से पता करते हैं कि कोई डिसऑर्डर बच्चे के अंदर है या नहीं। पर इसका नुकसान ये था, ये थोड़ा लेट स्टेज में होती है जिसके बाद एबॉर्शन या एमटीपी थोड़ा सा रिस्की होता है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव था सीबीएस, दैट इज कोरियोनिक वायलस सैम्पलिंग, है ना। कोरियोनिक वायलस सैम्पलिंग में हम कोरियोनिक विलाई को एक ट्यूब की हेल्प से निकालते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, वाई इट इज बैंड, एमनियोसिंथेसिस को क्यों बैन कर दिया गया इंडिया में, क्योंकि इसके कारण सेक्स रेशो डिक्रीज होगी। लोगों ने एमनियोसिंथेसिस को एक टूल बना लिया जिससे ये पता लगा सकें कि डेवलपिंग फिटस मेल है या फीमेल, और अगर वो फीमेल होता था, अगर वो फीमेल फिटस था तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था, और उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एमटीपी, दैट इज कॉल्ड एज एमटीपी, दैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी बेटा अलाउड है अगर कोई सीरियस केस हो तो, लीगली इट इज अलाउड, लेकिन लोगों ने इसको इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया कुछ डॉक्टर्स ने, जिसके कारण सेक्स रेशो डिक्रीज होगी, तो इस वजह से इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। डन। तो होपफुली ये छोटी छोटी टर्म्स इस चैप्टर की आपको समझ में आ गई होंगी। आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना बेटा, और एक एक टर्म को जितना मैंने समझाया सिर्फ उतना नहीं लिखना, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा पढ़ के टेक्स्ट में से इसके नोट्स बना लेने हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गुड लक।